बेचारा उहे पी के मुआल बारन सन। अब हम दी देखत ना के लिया के बेचता के खियावता उब के जाना तरिए। मरद मानुस बा कतहु जाके खोज के पी ली। हम जगदीश के माए आए बबुआ। मुसहर जाति के बारे में आपने सुना होगा। जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हम भी एक मुसहरों के टोले में हैं और ये गांव जो है भगवानपुर हाट थाने और सिवान जिले के अंतर्गत आता है। इस घर से दो बेटों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। घर की महिलाएं हैं, लोग डर से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस की गाड़ी भी अभी नजर आ गई थी। रात में नेताजी भी आए थे और तस्वीर खिंचवा कर चले गए हैं, पर इन चेहरे को देख लीजिए। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और इन लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। घरवा के नाती है, घरवा के हम जगदीश के माए आए बबुआ। हमारा के बबुआ बारा पोसे हुआ से पोसी के हाथरिया कोई हो बबुआ। माई के चोरी के बबुआ रोइया हो गईला। नीतीश जी रोने की आवाज सुन रहे होंगे। ये माँ है और माँ की कोई जाति नहीं होती है। इस माँ के कोख से ही बच्चे को 9 महीने कोख में रख कर इस माँ ने पैदा किया होगा। बड़े अरमान होंगे, भले बेटा मेहनत मजदूरी करता होगा, गरीबी है, भूख है, अगली शाम घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता है। 2016 में आपने शराबबंदी कानून लागू किया होगा तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि लोग शराब नहीं पिएंगे। लेकिन देखिए शराब लोगों ने पिया है और जिस टोले में हम खड़े हैं यहाँ 7 लोगों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मौत से जूझ रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो पुलिस के डर से कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पर ये मुसहरों का टोला है और गरीबी रेखा में ये जाति सबसे नीचे है। ना जमीन है, ना किसी प्रकार की सरकारी सहायता है। घरों की स्थिति देख लीजिए, इंदिरा आवास भी मिला होगा कि मुखिया जी खा गए होंगे। आपके गांव में लोग शराब पहले से पीते थे? पहले से तो पीते थे लेकिन ऐसा तो नहीं कभी हुआ। लेकिन पहले से पीते थे तो शराबबंदी है, नीतीश जी कहते हैं 2016 से शराब नहीं है, तो फिर शराब मिलता होगा तभी लोग पीते होंगे। अरे सर शराबबंदी कागज में बंदी है, गली गली में तो मिल रहा है, जहाँ तहाँ गली गली में तब जहाँ खोजिए तहाँ शराब है, कहाँ नहीं है तो कहाँ बंद है। कागज में बंद कर देने से हो जाएगा, गली गली को देखना चाहिए न। ये जहरीली शराब जो ये सबके छूट दिया गया है तब न ये सब आता है, कहीं से जाता है। नहीं तो सरकार प्रशासन चाहे तो इंच भर कहीं सकता है, कोई शराब नहीं सकता है। जो लोग मरे हैं आपके गांव में कुल कितने लोग मरे हैं? लमसम 7 लोग हैं। हाँ अच्छा, कोई सरकारी अधिकारी आया है आप लोग के लिए? कोई राशि उसी पैसा वैसा कुछ मिला है सरकारी? राशि तो मिला है, कोई आया था तो 2000 रुपया जो मरा है उसको दिए। क्या नाम है आपका? हमारा नगेंद्र मुसहर नाम है। नगेंद्र मुसहर जी। जो लोग मरे हैं उनका औसत आयु कितना, मैंने कितना कितना साल के लोग थे? लमसम 30, 35, 40 ऐसा ही लोग। क्या करते थे वो लोग? जी हम लोग मजदूरी करते हैं। हाँ दूसरा तो कोई काम है नहीं, ये दूसरे के जमीन में हम लोग हैं, अपना तो है नहीं। हाँ मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते ही। भूख और गरीबी झूठ नहीं बोलती। जो गरीब आदमी होता है वो बनावटी बात नहीं करता, वो नमक रोटी भले खाता है पर काफी ईमानदार होता है। देखिए महिलाएं हैं गांव की हैं, इनको कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता है। शराब शराब बेचाला बेचाला उहे पी के मुआल बारन सन टोला में। अब हम दी देखत ना के लिया के बेचता के खियावता उब के जाना तरिए। मरद मानुस बा कतहु जाके खोज के पी ली।
आ पी के चल आई अब के जाना तर हम का जाना तनी सन अब के जा अब पी के मुआ तारन सर कमती लोग मुआ अच्छा लोग के मुआ देले बन सन जहरीला शराब पिया के जे जे बेचवावता ओकरा रौरा नजर में के दोषी बा के बेचवावता अब हमन के नजर में केकरा के देख ले बस केकरा के दिखाता नहीं सर रात बिरात के लिया के माल दी तब के जानता अब बेचाता बेच के भाग जाता के चिन्हता चिन्हतो बानी से हमने ओकरा के चिन्ह ले रहती सर तब ओकर नाम गाँव धरती सर अच्छा लोग कहता कि पुलिस से बेचवा होता रोड़ा का मन तो हम नंची से देखा तब का करता आई तो लोता हमार बबुआ नाम हुई आके पुलिस लोग को दित लो जे नत दारू शराब ले जे हजार जेकरा घर में लोग मरल बा उ लोग कहत जे पुलिस से बेचवाव तटे पुलिस से कमाता बाप रे अरे बाप रे ना तो अगत रोज आई लो रे दादा त लोगावा नाम अतरल अब नहीं खेलो आवत रे जा जब से हमन के टोलावा छोड़ देले वालो फिरी में तबे इतना लोगवा गौवा सुन हो गइलो बबुआ। इस आवाज को सुनिए एक माँ की करुण पीड़ा है और हम आशा करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इस माँ की करुण पीड़ा को सुनिएगा और कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है। आपने नियम काफी बढ़िया बनाया है कि शराब पीना शराब बेचना शराब की बात करना गैर कानूनी है, पर सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाने के जिस गाँव में हम है मुसहरों का गाँव है और जिस जमीन पर ये बसे हैं ये जमीन भी इनका नहीं है। सरकारी सहायता कितनी पहुंचती होगी इन घरों को देखने के बाद पता चल सकता है, पर जिस गांव से सात सात युवकों की लाश निकली है उस गांव की चित्कार भले आपकी नींद को खोल दे, इन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बने और उन्हें सजा दी जाए। हम भी कोशिश करेंगे और हम भी उस नज़ारे को देखना पसंद करेंगे कि बिहार में आपने बदलाव किया है तो दोषियों को कैसे सजा मिल पाती है।